नमस्कार, मैं हूं आप सभी के साथ महिमा पांडे और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल विस्तार न्यूज। वक्त हो चला है 7 बजे का और आप देख रहे हैं देश के दिल से यानी कि मध्य प्रदेश की हर वो खबर आज हम आपको बताएंगे जो आपके काम की है। और चलिए इसी बीच बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें कि विदिशा जिले के गंज बासौदा में 2 साल के बच्चे का अपहरण हो गया है। जी हाँ, आपको बता दें कि उसका अपहरण करने वाली भी एक 14 वर्षीय बालिका निकली है। बासौदा में रहने वाले मुकेश शर्मा ने बताया कि लगभग 12:30 पर उनके पास घर से फोन आया कि उनका 2 साल का बेटा कहीं मिल नहीं रहा, जिसे सुनकर वो तुरंत घर आए और सीसीटीवी कैमरे चेक किया है। आपको बता दें जिसमें उन्होंने देखा कि एक लड़की उस बच्चे को उठाकर ले गई है। तुरंत उन्होंने उस ओर रुख किया और अपने परिचितों को ढूंढने को बोला। तो देख सकते हैं 14 साल की नाबालिग बच्ची ने ही एक बच्चे का अपहरण किया है। और ये तस्वीरें देख सकते हैं आप, जहाँ विदिशा जिले के गंज बासौदा का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। आपको बता दें विदिशा में 2 साल के बच्चे का अपहरण हुआ है। अपहरण का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुका है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की। 14 साल की बच्ची के कब्जे से उस बच्चे को बरामद भी कर लिया गया है। इसमें पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध किया है और अनुसंधान जारी है और इसमें ट्रैक किया जा रहा है कि इसके क्या क्या आस्पेक्ट हो सकते हैं। इसमें दोनों एंगल देखा जाएगा कि या तो ये भीख मांगने के उद्देश्य से बच्चे की जीवन को उठाया गया है, अपहरण किया गया है, या किसी और के द्वारा इनको हैंडलिंग किया जा रहा था जिनके लिए ये बच्चे को चुरा गया। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रीतेश अग्रवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रीतेश, आपसे जानना चाहेंगे कि विदिशा में एक 2 साल के बच्चे का अपहरण होता है और 14 साल की नाबालिग ही उस बच्चे को उठाकर लेकर चली जाती है। जब बच्चा घर से बाहर था तो परिवार उस वक्त कहां मौजूद था और अभी पुलिस कहां तक पहुंची है इस मामले में? देखिए, सनसनीखेज वारदात विदिशा के गंज बासौदा में हुई है और सबसे बड़ा सवाल घर वालों के लापरवाही का भी सामने आ रहा है कि वह बच्चा घर के बाहर था और कुछ देर तक वह गायब भी रहा और घर वालों को पता नहीं चला। लेकिन जैसे ही पता चला उन्होंने तुरंत उसके पिता को फोन लगाया, सीसीटीवी देखे और तुरंत सक्रिय हो गए जिससे बच्चे को बरामद किया जा सका। बिल्कुल बिल्कुल प्रीतेश, अब देखना होगा कि आखिर पुलिस इस मामले में क्या कुछ निकाल कर लेकर आ पाती है और बच्चा कब तक मिल पाता है। इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें, अब बात करेंगे इंदौर की, जहां दिन दहाड़े पंजाब नेशनल बैंक में लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। इस लूट ने पूरी व्यवस्था को ही सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया था, लेकिन अब पुलिस ने सारे सवालों के जवाब दे दिए हैं और इस लूट का खुलासा कर दिया है। पूरे खुलासे पर देखिए विस्तार न्यूज की एक खास रिपोर्ट। इंदौर में दिन दहाड़े बैंक लूट की घटना ने पूरी व्यवस्था को ही सवालों के घेरे में ला खड़ा किया। सुरक्षा से लेकर कानून व्यवस्था तक हर चीज कटघरे में खड़ी थी। एक शख्स पंजाब नेशनल बैंक में घुसता है, फायर करता है और 10 लाख रुपए लेकर चला जाता है। घटना के बाद पूरे बैंक परिसर को सील कर दिया जाता है। अफरा तफरी और जाँच पड़ताल के बाद वारदात के सीसीटीवी फुटेज सामने आते हैं। लुटेरे को लेकर पुलिस जांच और तेजी से कर देती है। फिर जो सच सामने आया उसने सबको भौचक्का कर दिया। दरअसल चौकीदार ही चोर निकला। पंजाब नेशनल बैंक की स्कीम 54 स्थित शाखा में डकैती में चौकीदार ने ही डकैती कर ली। चौकीदार एक रिटायर्ड सैन्य कर्मी है। हालांकि आरोपी अभी भी फरार है और उसकी तलाश कर रही है। पुलिस ने आरोपी के घर छापा मार कर आरोपी की बंदूक, पैसे, बाइक और जूते बरामद कर लिए हैं। कि हमने अपराधी आइडेंटिफाई कर लिया है। अपराधी के पास से काफ़ी सामान हमारे पास जब्त हो गया उसके घर से, और अपराधी के पीछे हमारी टीमें लगातार लगी हुई हैं। जो हमें चीज़ें अभी तक जब्त हुई हैं उसमें राशि लगभग 3 लाख रुपए, इसके अलावा हमें वो बरसाती जो उसने इस्तेमाल की थी वो आप देख रहे होंगे यहाँ अभी जब्त हो चुकी है, वह बंदूक जो इस्तेमाल की गई थी वो जब्त की जा चुकी है। इंदौर पुलिस कमिश्नर ने विस्तार न्यूज को बताया कि 47 साल का आरोपी अरुण कुमार सिंह शराब पीने की आदत और सेहत के कारण निकाला गया था। पूरी रात पुलिस छानबीन करती रही, सीसीटीवी खंगालती रही। इंदौर के लोगों ने भी पूरी रात पुलिस की मदद के लिए अपने दरवाजे खोल दिए।
अपने अपने घरों के सीसीटीवी फुटेज मुहैया कराए, तब कहीं जाकर पुलिस ने इस लूट को लेकर बड़ी कामयाबी हासिल कर पाई। ये एक आरोपी जो है वो अरुण कुमार सिंह है, ये 47 साल का है और पूर्व में आर्मी में काम कर चुका है, 1999 से 2006 7 साल वहाँ इसकी शराब पीने की आदतें और इसके स्वास्थ्य को देखते हुए उसको आर्मी से बाहर निकाल दिया गया था। इसके बाद यहाँ सिक्योरिटी गार्ड के रूप में काम कर रहा था, बैंक ऑफ इंडिया पलासिया ब्रांच में भी ये सिक्योरिटी गार्ड रहा है कुछ महीने के लिए। इसके बाद ये एक ज्वेलर्स की दुकान पर जो बैंक के पास ही है, जिस बैंक में घटना हुई है, वहाँ पिछले 1.5 साल से सिक्योरिटी गार्ड था, अप्रैल माह तक वहाँ सिक्योरिटी गार्ड ये रहा है। तो सभी लोगों ने बहुत जम के, उनकी पूरी टीम इसमें पूरी तरह लगी रही, हमारी क्राइम की पूरी टीम, राजेश डंडोतिया और उनकी पूरी टीम पूरी रात लगी रही। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा इंदौर के सभी उन नागरिकों का जिन्होंने रात में भी अपने सारे सीसीटीवी कैमरेज का एक्सेस हमें दिया। पुलिस ने बैंक के अंदर के फुटेज निकाले तो रेनकोट पहना लुटेरा नजर आया। पुलिस ने फुटेज के आधार पर अपराधी को पकड़ने के लिए प्लान बनाया। पुलिस ने पता लगा लिया कि आरोपी हीरानगर या बाणगंगा क्षेत्र का रहने वाला है। श्याम नगर में पुलिस को आरोपित की बाइक खड़ी दिखाई दी। लोगों ने बताया गाड़ी अरुण सिंह की है और वे सेना से रिटायर हुआ है, फिलहाल वह गार्ड की नौकरी करता है। पुलिस ने तड़के अरुण के घर में छापा मारा तो वो फरार मिला। तो देखा आपने कि कैसे पंजाब नेशनल बैंक की स्कीम 54 स्थित शाखा में डकैती में चौकीदार ने ही डकैती की। बता दें चौकीदार एक रिटायर सैन्यकर्मी है, हालांकि आरोपी अभी भी फरार है और उसकी तलाश जारी है। आपको बता दें पुलिस ने आरोपी के घर पर छापे मारकर आरोपी की बंदूक, पैसा, बाइक और जूते बरामद कर लिए हैं। और आपको बता दें इसी बीच लूट का जो सीसीटीवी फुटेज है वो भी सामने आ गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां बैंक लूट का नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, इसी खबर में बड़ा अपडेट है। तो देख सकते हैं विस्तार न्यूज पर बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां बैंक लूट का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया। ये तस्वीरें देखिए जहां सिक्योरिटी गार्ड ने ही इस वारदात को अंजाम दिया था। और अब विस्तार न्यूज पर ये एक्सक्लूसिव सीसीटीवी फुटेज देखिए जहां पर बैंक लूट का जो सीसीटीवी फुटेज है वो सामने आ गया। और सबसे पहले विस्तार न्यूज ये फुटेज आपको दिखा रहा है। विस्तार न्यूज की स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ये तस्वीरें जहां पर सिक्योरिटी गार्ड ही लुटेरा निकला, आपको बता दें। और पुलिस अब पूरे मामले की जांच में जुट गई है। आपको बता दें कि पुलिस ने यहां पर आरोपी के घर पर छापेमार कार्रवाई भी की, बंदूक, पैसा, बाइक और जूते भी बरामद कर लिए हैं। और अब इसी बीच एक बड़ा अपडेट ये है कि बैंक लूट का जो नया सीसीटीवी फुटेज है वो भी सामने आ चुका है। आप देख सकते हैं किस तरह सिक्योरिटी गार्ड ही बैंक में जाता है और किस तरह से बैंक में डकैती करता हुआ नजर आ रहा है। बंदूक लेकर यहां पर वो जाता है और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं और लूट की घटना को अंजाम देता है, यहां पर डकैती डालता है। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं विस्तार न्यूज की स्क्रीन पर, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इंदौर की ये तस्वीरें हैं जहां पर विस्तार न्यूज पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं जहां बैंक लूट का जो नया सीसीटीवी फुटेज है वो सामने आ चुका है। तो पुलिस अब आगे मामले की जांच कर ही रही है और इसी बीच एक नया सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है। तो बता दें पंजाब नेशनल बैंक की स्कीम 54 स्थित शाखा में डकैती की गई, उसके बाद चौकीदार ही डकैत निकला। आपको बता दें चौकीदार एक रिटायर्ड सैन्यकर्मी बताया जा रहा है, हालांकि आरोपी अभी भी फरार है और उसकी तलाश पुलिस कर रही है। पुलिस ने आरोपी के घर पर छापेमार कार्रवाई कर दी है और आरोपी की बंदूक, पैसे, बाइक और जूते बरामद कर लिए हैं। लेकिन अब यहां पर आप देख सकते हैं एक नया सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुका है, किस तरह रेनकोट पहने हुए नजर आ रहा है ये आरोपी और बंदूक तान कर लोगों को समझाइश देता नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं डकैती का ये जो वीडियो है वो सामने आ चुका है। विस्तार न्यूज पर आपको सबसे पहले ये तस्वीरें, हम एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं बैंक डकैती की, ये सबसे पहले सीसीटीवी फुटेज भी हम आपको दिखा रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी पुनीत विजय वर्गीय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बिल्कुल पुनीत, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? बिल्कुल पुनीत, आपसे ये जानना चाहेंगे कि सिक्योरिटी गार्ड ही लुटेरा निकला है इंदौर में और इसके बाद एक नया सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया है, क्या कुछ जानकारी है फिलहाल, पुलिस की जांच कहां तक पहुंची है?
जी देखिए, पुलिस ने पूरा मामले का खुलासा तो आज सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कर दिया था। उसमें आरोपी का नाम अरुण कुमार सिंह सामने आया है, जो कि मूलतः एटा का रहने वाला है और निष्कासित आर्मी मैन है। उसे सेना से निकाल दिया गया था 2006 में उसकी शराबखोरी की आदत और दुर्व्यवहार के चलते। उसी ने बैंक में डकैती की थी। डकैती करने के बाद घर में 3 लाख रुपये रखकर और खुद फरार हो गया। अभी तक वो पुलिस की गिरफ्त से दूर है। पुलिस ने 3 लाख रुपये उसके घर से बरामद किए हैं। 50,000 रुपये का एक नया खरीदा हुआ टीवी, उसका बाइक, उसका रेनकोट, उसकी राइफल और जूते, ये सभी सामान जो वारदात में प्रयुक्त किए गए थे वो सब पुलिस ने बरामद कर लिए हैं। लेकिन वह खुद फिलहाल पुलिस की गिरफ्त से दूर है। जैसा कि ये सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, ये विस्तार न्यूज़ के तमाम दर्शक एक्सक्लूसिवली देख सकते हैं कि किस तरह से वो बैंक में सीधे राइफल लेकर घुसा और जाकर कांच पर फायर कर दिया। डराने के लिए ये फायर किया था। हालांकि जितने लोग थे वो घबरा गए थे। उसके बाद सीधे कैशियर के टेबल पे गया, बैग देकर बैग में कैश ले लिया। तो ये सबसे पहला सीसीटीवी फुटेज है जो सामने आया है और विस्तार न्यूज़ के तमाम दर्शक इसे देख सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पुनीत, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि क्या अभी तक कोई इनपुट मिल पाया है आरोपी का कि वो अपने घर से कहां गया यहां पर इतनी बड़ी लूट की घटना को अंजाम देने के बाद? जी बिल्कुल, देखिए मूलतः यूपी एटा का रहने वाला है। पुलिस ने आशंका जताई है कि संभवतः वो उसी साइड गया होगा। इसके अलावा 3 टीम अलग अलग जगह पर भेजी गई है जो उसकी तलाश में जुटी हुई है। तो जल्द ही पुलिस का दावा है उसे पकड़ लिया जाएगा। हालांकि पुलिस का ये भी दावा है कि उसकी पहचान कर ली गई है, उसके घर तक पहुंच चुके हैं, सामान बरामद कर लिया है। फिर भी अभी काफी बड़ा अमाउंट है जो उससे बरामद होना बाकी है। बिल्कुल 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 पुनीत, अब देखना होगा कि आखिर पुलिस कब तक आरोपी तक पहुंच पाती है। इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए अब आगे बात करते हैं। आपको बता दें एमपी के स्कूल व्यवस्था की, जिसमें वादे और दावे तो बहुत बड़े बड़े किए जाते हैं लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है। बता दें देश की आजादी को तो 75 साल हो चुके हैं मगर आज भी प्रदेश में कुछ ऐसे स्कूल हैं जिसकी आप हालत देखेंगे तो सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आज के परिवेश में भी ऐसे स्कूल हमारे देश में मौजूद हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। करनी पड़ती है भीगते हुए आते हैं। परेशानी आती है। हाँ। तो आप सरकार से कुछ कहना चाहोगे? हमारे लिए बिल्डिंग बनवा दे। अच्छा, बिल्डिंग बनवा दे। क्या व्यवस्था यहाँ? यहाँ बस चौतारे में बैठते हैं पेड़ के नीचे। मान लो पानी वानी बरसा तब? तब मंदिर में चले जाते हैं। तो ये धर्मशाला, ये स्कूल शिक्षा का मंदिर तो है लेकिन इस मंदिर की छत नहीं है। भगवान का स्वरूप बच्चे, चाहे बारिश का मौसम हो या फिर चाहे कड़ी धूप, बच्चे भगवान भरोसे ही पढ़ाई कर रहे हैं और यहाँ पढ़ाने वाले शिक्षक भी अपने कार्य का निर्वहन पूरी ईमानदारी से करते हैं।
वो अलग बात है कि भारी बारिश में इन स्कूलों की छुट्टी कर दी जाती है, और ऐसा नहीं है कि प्रशासन के पास इन स्कूलों की जानकारी नहीं है। कई बार स्कूल न होने की सूचना दी जा चुकी है, लेकिन हाथ सिर्फ आश्वासन का कटोरा ही लगा है। बरसात हो जाती है तो बरसात में भीगते हैं, क्या करें, भीगते हैं, बच्चे भीगते हैं और पढ़ते हैं, बीमार नहीं छुट्टी कर देते हैं, क्या करें, टाइम पे पेड़ के नीचे गर्मी में परेशानी पड़ती है, गर्मी में भी परेशानी पड़ती है, पसीना से भीगते हैं। अब ये शासन की जानकारी हमेशा जाती रहती है, विद्यालय भवन विहीन है हमेशा जाती रहती है। पता नहीं शासन की क्या मंशा, शासन के पास वित्त नहीं है या फिर शासन उपेक्षा की दृष्टि से देख रही है, या कुछ ऐसे कुछ शासन की मजबूरी होगी, हम क्या उसमें क्या जाने। सब ने किया, सबको जानकारी है, यहाँ से भोपाल तक जानकारी है कि ये भवन विहीन है साला। हनुमान मंदिर के नीचे संचालित हो रहे चित्रकूट के स्कूल को लेकर जब BRCC जगतेंद्र मड़ी त्रिपाठी और जिला पंचायत सदस्य और जिला शिक्षा समिति के सदस्य संजय सिंह कछवाहा से बातचीत की गई, तो क्या कुछ कहा उन्होंने, जरा उसे भी सुन लीजिए। हमारे यहाँ 26 विद्यालय भवन विहीन हैं, जहाँ पर भवन आज दिनांक तक बना ही नहीं है। 2 विद्यालय भवन था वो जर्जर है, उनका प्रस्ताव लोक निर्माण विभाग को भेजा गया है, उसके प्रमाणीकरण होगा, हो जाए कि वो भवन विहीन है या माने मरम्मत योग्य है कि नहीं है, उसके बाद ही बता पाएंगे कि वो। कई बार जिला पंचायत के फोरम में मुद्दा भी रखा है और सरकार को प्रस्ताव भी गया है विद्यालय नए बनने के लिए, पर अभी तक कोई अलॉटमेंट नहीं आया है। इन तमाम बातों और सरकारी दावों पर नजर जाए तो हाथ सिर्फ और सिर्फ आश्वासन ही आता है। कड़वी है मगर सच्चाई ये है कि विकसित प्रदेश में आज भी ऐसे कई स्कूल हैं जो भगवान भरोसे चल रहे हैं। ऐसे में सोचने वाली बात सिर्फ और सिर्फ यही है कि जब इस तरह पढ़ेगा इंडिया तो फिर कैसे आगे बढ़ेगा इंडिया। विस्तार न्यूज के लिए विनोद शर्मा के साथ मनोज उपाध्याय की रिपोर्ट। तो बताइए, आज के इस दौर में भी चित्रकूट और मुरैना में ऐसे स्कूल हैं जहां बच्चे खुले आसमान के नीचे बैठकर पढ़ने के लिए मजबूर हैं, और मुरैना में तो ये व्यवस्था पिछले 20 सालों से चली आ रही है। सोचिए कड़ी धूप में वो बच्चे कैसे पढ़ाई करते होंगे, बारिश के मौसम में उनका क्या हाल होता होगा। मामला गंभीर तो है, खैर समय कम है इसलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे बुजुर्ग किसान की जो न्याय मांग रहा है, कह रहा है न्याय दो, कलेक्टर से गुहार लगा रहा है, और आपके कार्यालय में पदस्थ एक कर्मचारी ने उसकी जमीन हड़प ली, फर्जीवाड़ा कर अपने बेटे के नाम ये जमीन कर ली, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही, फिर क्या। इसके बाद लाचार किसान की लाचारी पूरे सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई, और वायरल हुई तो राजनीति भी देखने को मिली। देखिए ये रिपोर्ट पूरे सिस्टम पर। साहब अब तो न्याय दे दो, 14 साल से न्याय मांग रहा हूं। सोचिए न्याय मांगने के लिए आपको क्या कुछ नहीं करना पड़ता, रोना पड़ता है, गिड़गिड़ाना पड़ता है, अधिकारियों का अंतहीन चक्कर काटना पड़ता है और लौट जाना पड़ता है। बदले में अपमान के सारे शब्द मिलते हैं लेकिन न्याय नहीं मिलता। दरअसल एक हैरान और परेशान करने वाला वीडियो सामने आया है, देखिए कैसे एक बुजुर्ग लौट रहा है। आप भी महसूस कर सकते हैं, इसकी जगह खुद को देख सकते हैं, क्योंकि ये सिस्टम है और हद है कि सिस्टम का कोई सिस्टम नहीं है। ये तस्वीरें मंदसौर जिला कलेक्ट्रेट की हैं, जहां जनसुनवाई चल रही थी। इसी जनसुनवाई में साखली से आए किसान शंकरलाल पाटीदार ने कलेक्ट्रेट कार्यालय में लोट लगा दी। इस बीच SDM और डिप्टी कलेक्टर आवेदक की ओर दौड़े और जनसुनवाई कक्ष में ले गए, जहां अधिकारियों से चर्चा में किसान ने बताया कि वो 14 साल से दफ्तरों के चक्कर काट रहा है और 25 से ज्यादा बार जनसुनवाई में आ चुका है, लेकिन कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही। किसान ने बताया कि उसकी जमीन हड़प ली गई है, और हड़पने वाला कोई और नहीं बल्कि सरकारी कर्मचारी है, वो भी कलेक्टर कार्यालय में ही पदस्थ है, नाम है बाबू देशमुख। 14 साल हो गया परेशान है, और आवेदन देने था गया, कोई अधिकारी सब सुनते नहीं। आप कल वहाँ कलेक्ट्रेट कार्यालय गए थे, क्या किया वहाँ पे? कुछ नहीं कहते, चल रहा तुम्हारे घर आएगा, अभी तक नहीं आया, अभी तक नहीं आया, कितने दिन में नहीं आया, हम 15 दिन बाद फिर लौट के उसके आवेदन देंगे हम कलेक्टर। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो मुद्दा राजनीतिक बन गया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष ने एक्स पर पोस्ट कर सरकार को खूब खरी खोटी सुनाई,
जीतू पटवारी ने पोस्ट में मंदसौर में किसानों पर गोलीकांड का जिक्र कर लिखा, क्या मंदसौर के किसानों से बीजेपी की दुश्मनी कभी खत्म नहीं होगी? सरकार को किसानों के सामने दंडवत रहना चाहिए, लेकिन किसान को लुढ़कना पड़ रहा है। तो वही उमंग सिंघार ने भी लिखा कि यदि उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा के इलाके में किसानों की ये हालत है तो प्रदेश में क्या ही हो रहा होगा। राजनीति ही सही, लेकिन पोस्ट में कुछ भी गलत तो नहीं है, ये हमारे सिस्टम की सच्चाई है, इसमें कोई बात छुपी नहीं है, हम सभी सिस्टम की हर बात को बखूबी जानते हैं। लेकिन इन सब के बीच सवाल तो यही है कि आखिर ये सिस्टम इतना कैसे गिर सकता है कि न्याय पाने के लिए किसी को इसके सामने गिड़गिड़ाना पड़ जाए। मंदसौर से विस्तार न्यूज के लिए देवेंद्र मौर्या की रिपोर्ट। तो आपने देखा किस तरह से एक बुजुर्ग खुद के न्याय पाने के लिए सिस्टम के सामने गिड़गिड़ाता हुआ नजर आ रहा है, लोट लगाता हुआ नजर आ रहा है, और अभी भी वो परेशान नजर आ रहा है क्योंकि उसकी सुनवाई कहीं नहीं की जा रही है। लोट लगाने के बाद भी फिलहाल के लिए देश के दिल से मैं बस इतना ही।